दूसरी पार्टी का सोशलिस्ट पार्टी ऑफ करते हैं कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्ष 1920 के शुरुआती वर्षों में रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर भारत के विभिन्न भागों में कई साम्यवादी गुटों का उदय हुआ। वर्ष 1935 तक कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के अंतर्गत ही कार्य किया। वर्ष 1935 तक कांग्रेस के साथ ही कम्युनिस्टों ने कार्य किया। ये दिसंबर 1941 में कांग्रेस से कम्युनिस्ट पार्टी अलग हो गई और पहले आम चुनाव में कम्युनिस्टों को कांग्रेस की 364 सीटों के मुकाबले केवल 16 सीटें प्राप्त हुई थी। इस पार्टी के प्रमुख नेताओं में एके गोपालन, एस ए गंगे, टीएमएस नमूद्रीपाल, पीसी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरिया थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तीसरी पार्टी भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ, इसका भारतीय जनसंघ का गठन वर्ष 1951 में हुआ, 1951। इसके अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जबकि दीनदयाल उपाध्याय इसके प्रथम महासचिव थे। जनसंघ एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति के सिद्धांत पर बल देता था। जनसंघ को पहले आम चुनाव में केवल 3 सीटें, लोकसभा कितनी 3 सीटें, और दूसरे आम चुनाव में केवल 4 सीटें जनसंघ को प्राप्त हुई थी। चौथी पार्टी के बारे में बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, इस पार्टी को स्पेनिश में पार्टीडो रिवॉल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन शॉर्ट में बोलते हैं, PRI। इसकी आप फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं, प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है। कहा जाता है इस पार्टी को मैक्सिको में लगभग 60 वर्षों तक शासन रहा। इस पार्टी का मैक्सिको में लगभग 60 वर्ष तक शासन रहा और वर्ष 1929 में इसकी स्थापना के समय से ही इसे इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था। इस पार्टी को मैक्सिकन क्रांति विरासत से मिली थी। PRI मुख्य रूप से जो कहना चाहिए राजनेता, सैन्य नेता, किसान और मजदूर संगठन सहित कई प्रकार के हितों का संगठन था। बाद में इस पार्टी के संस्थापक थे प्लूटार्को इलियास कैलस। प्लूटार्को इलियास कैलस ने इस पर कब्जा कर लिया। और बात करते हैं अंतिम पार्टी के रूप में स्वतंत्र पार्टी की। स्वतंत्र पार्टी, इस पार्टी का गठन वर्ष 1959 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। इसके अन्य नेताओं में के एम मुंशी, एन जी गंगा, मीनू मशानी आदि प्रमुख थे। इस पार्टी का मानना था कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे, क्योंकि समृद्धि केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के द्वारा ही आ सकती है। और इस प्रकार इन सभी प्लान के आधार पर, सभी बिंदुओं पर हमने आपसे चर्चा की। आप सभी याद करें, समझें इन बिंदुओं को और इन बिंदुओं में आने वाले सभी तथ्यों को याद करें, और आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।